मोदी जी कितना भी अच्छा कर लेना, लोगों के दिल में सुकून नहीं मिलने वाला है। वो यहाँ पे 50 लाख आवेदन लेकर के आए हैं, 50 लाख जॉब क्रिएट किया है यहाँ पे। सब लोग ये सोचने पे लगे हुए हैं कि भाई एक सीट के लिए भाई 80-90 लोग लड़ने वाले हैं, सोचो कैसे करके जॉब मिलेगा। मोदी जी ने यहाँ पे तो क्रिएट किया है जॉब, उन्होंने क्या गलत किया है। लेकिन ये हरामखोर, ये चादर मोड़ कहता है कि नहीं, हमारा कैलकुलेशन सुनो। इन भाई साहब का कैलकुलेशन निकल रहा है कि जो 50 लाख जॉब क्रिएट किया गया है उसके फॉर्म भरने के लिए उसकी जो फीस होगी वो 400 रुपये होगी। 400 × 50 लाख निकलेगा कितना? 200 करोड़। ये 200 करोड़ किसके जेब में जाने वाला है? मोदी जी के जेब में। और वो इस 200 करोड़ से क्या करेंगे भाई? अपना 50-60 सीट खरीद लेंगे। ये क्या बात हुई भाई? हाँ, तुम्हें जॉब मिला है, तुम उस पर फोकस करो। हाँ, तुम साला उस पर जा करके अपना भाई फॉर्म फिल करो। लेकिन नहीं, कोई क्या कमा रहा है उस पर नजर है, साले तुम्हारी नजर ही गंदी है। ऐसी हरकतें मत करो, हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, ये सब बंद कर दो, कुछ काम धंधा कर लो यार। यह सारी चीजें सब उल्टी कैसे पड़ रही है? मोदी जी लगता है ना पैसा देना थोड़ा कम कर चुके हैं, जिसके वजह से सारे लोग जो है चढ़-बढ़ करके बोल रहे हैं। जिन सालों की कोई औकात नहीं थी मुंह पे कुछ बोलने की, वो तक साले लोग जाके मुंह पे चढ़ के बोल रहे हैं। नहीं नहीं, आपसे सवाल जो मैं कर रहा हूँ भाई, कैसे? अरे अमित शाह है वो, साला कहीं जूता फेंक के मारेगा ना भाई, तुम वहां पे फीता बन के रह जाओगे। और देखो यार, मोदी जी पे कोई चढ़ेगा नहीं, वो क्या है ना कि आजकल थोड़े डिप्रेशन में चल रहे हैं, जिसके वजह से जो है ना उनके मुंह से कुछ निकल जा रहा है। तुम क्या अपने लोगों को माफ नहीं करते क्या? कुछ भी अनशन निकल जाता है, बाद में आके सॉरी बोलते तो आप माफ करते हो ना? तो भाई कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई अगर उन्होंने ये कह दिया कि जो मैनिफेस्टो पे लिखा है उस पे ये लिखा हुआ है कि मुसलमानों को जाकर के जो है सारी चीज़ें दे दी जाएगी, हिंदुस्तान पे सबसे पहला हक हर चीज़ के ऊपर में जो है वो मुसलमानों का है, आप लोगों के मंगलसूत्र को उतार करके वो मुसलमानों को दे देंगे। आपको क्या लगता है मुसलमान लोग जो है मतलब वो मंगलसूत्र नहीं पहनती क्या, सिंदूर नहीं लगाती क्या, पति के लिए करवा चौथ नहीं रखती क्या? अजीब किस्म के इंसान हो यार। अगर कुछ कहा है मोदी जी ने, उसमें कोई ना कोई बात होगी। जो मोदी जी वॉर रुकवा सकते, जो मोदी जी बाहर जा करके हर एक लोगों को अपना शिक्षा दे सकते, वो मोदी जी अगर कुछ भी कह रहे हैं ना, उसके पीछे में सेंस है। सालों तुम लोगों के पास में अक्ल नहीं है, समझ में आ रहा है कुछ? 2047 याद रखना, 2047 तक देखना हिंदुस्तान कहाँ पे पहुंचेगा, तुम सबके सब कहाँ पे पहुंचोगे। लेकिन नहीं, मोदी जी का टांग पकड़ करके खींचने में नीचे लगे हुए, जरा भी शर्म नाम की चीज तो बची नहीं है तुम लोगों में। और देखो यार, तुम लोगों को अपने दिमाग में एक चीज डाल लेनी चाहिए कि मोदी जी पूरा टाइम बिजी रहते हैं, बस 4-5 साल में एक बार नजर आते हैं, जो आपसे डायरेक्टली आपसे बात कर रहे होते, आपसे आकर के हाथ जोड़ करके कुछ विनती कर रहे होते, तो कम से कम मान लिया करो पूरा का पूरा 4-5 साल जो है वो किसके लिए कर रहे होते। अरे हद है यार। और देखो यार, मोदी जी की किस्मत थोड़ी खराब है, वो ऐसे लोगों के बीच में बैठे ना जो साले रायता फैलाते रहते। इतना शिक्षा देने के बाद भी, इतना समझाने के बाद भी अगर कोई मदरबोर्ड कहीं पे जाकर के कुछ भी अनशन बग देता है, तो उसमें मोदी जी की गलती कहां से हो गई यार? हाँ नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, तुम लोगों को अंदाजा नहीं है कि मोदी जी अपने ही गैंग में कैसे कैसे लोगों को लेकर के बैठे हुए। वो बात अलग है कि उनको उस चीज का एहसास नहीं, उनको एहसास दिलाना पड़ता है। लेकिन यार, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि बात बात पे जाकर के उनके एक एक वर्ड को, एक एक चीज को एकदम लिटरली लेने लगो। जॉब 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 ये क्या लगा के रखा है? मोदी जी ने एक राम मंदिर बनाया है, उस राम मंदिर में जाओ, वहां पे जाकर के देखो क्या हो रहा है। राम लल्ला के पीछे में सब हाथ धो करके पड़े हुए हैं, सब अपनी अपनी मन्नताएं मांग रहे हैं। तुम भी मन्नत मांगो यार, तुम्हारी भी पूरी हो जाएगी कुछ नहीं तो कम से कम। अगर उसी के बाहर में बैठ करके कटोरा लेकर के बैठोगे तो साला दिन का 2000 रुपया मिल जाएगा। हाँ, 2000 रुपया यानी महीने का 60,000 रुपया, साल का साला 8 लाख रुपया तुमको पैकेज मिल रहा है। कोनो इंजीनियर को मिल जाएगा का? हाँ, लेकिन नहीं, राम मंदिर काहे बना दिए हैं? मोदी जी जॉब के लिए कुछ नहीं कर रहे। अब उसी राम मंदिर के बाहर में बैठ के अगर तुमने पकौड़े तल लिए ना, तो तुम्हारी क्या बोलूं मैं, तुम लोगों के पास साला अकल नहीं है। आज के जनरेशन में खाली यूट्यूब में बैठ के रील देखा करो, लेकिन साला कोई काम धंधे पे मत जाओ। मोदी जी ने इतने सारे अवसर निकाल करके दिए हैं, लेकिन साला तुमको अवसर नहीं बनना है। मोदी जी ने तुमको इतने सारे अवसर निकाल करके दिए हैं, लेकिन तुम साले को अवसर बनने पे लगे हुए हो। क्या पढ़ाई लिखाई की हो साला, चीटिंग मार के पास की हो, मुंह के सामने में अगर बैठा दिए ना इंटरव्यू देने के लिए, तो साला एक इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते। लेकिन मोदी जी को कहेंगे जॉब दिलवा दो, जॉब दिलवा दो, क्या मतलब है इसका भाई? क्या है, पिछवाड़े में दम है तो प्राइवेट जॉब कर करके दिखाओ। हराम खाने के लिए साला गवर्नमेंट जॉब में जा करके फॉर्म भरते रहते हो, मेहनत करो थोड़ा, प्राइवेट जॉब में जाओ। मोदी जी सीधा कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी सिर्फ 3 घंटा सोते हैं, तुम भी सिर्फ 3 घंटा सो। भले से साला गंजे हो जाओ, पेट निकल जाए तुम्हारा शक्ल के 12 बज जाए, लेकिन साला तुम फॉलो तो करो।
आज वो प्रधानमंत्री बने, कल तुम उनके जगह पे होगे, लेकिन नहीं, जॉब दिलवाओ। और देखो यार, भले से मोदी जी को 2014-2019 में क्या बातें हुई थी वो याद नहीं हो, लेकिन मोदी जी की याददाश्त की आपको दाद देनी पड़ेगी कि उनको आज से 40-50 साल पहले इंदिरा गांधी क्या करके गए थे, नेहरू की क्या गलती थी, 70 साल में क्या ऐसा कांड किया, वो सारी बात एक एक चीज याद है उनको। तुम लोगों को ये भी नहीं पता है कि यार जो मेन बेस होता है ना, वो बेस मेन होता है, ऊपर में जो फल पत्ते ये सब आ गए वो मैटर नहीं करता है। आज से 50 साल पहले क्या बोया गया था वो मैटर करता है, मतलब हमें 10 साल पीछे भी क्या हुआ था वो भी सोचना पड़ेगा? नहीं, हम सिर्फ 40-50 साल पहले सोचेंगे। दिमाग से निकाल दो इन सारी चीजों को। और मैं कह रहा हूं, अगर इस बार अगर मोदी जी का 400 पार नहीं हुआ तो जाकर के साला जर्मन शेफर्ड को जो है ना धो डालना, ढूंढ के निकालना साले को और पिछवाड़े पे गोली मारना उसके। क्योंकि अगर कुछ भी बुरा होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ में तो साला उसके पीछे का रीजन ना यही साला जर्मन शेफर्ड है, समझ लो इस बात को। और हाँ, जो लोग नए हैं, नमस्कार, मैं हूँ वो हीरो जो सबको बना सकता है। नहीं, मैं सिर्फ हीरो हूँ, मैं किसी को जीरो नहीं बनाने वाला हूँ। आई एम वेरी सॉरी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।